नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश आफत बनकर सड़कों पर टूट रही है। कुमाऊं के जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण दर्जनों मार्गों में मलबा आने से मार्ग बंद हैं और यातायात बाधित है। हालांकि संबंधित विभाग मार्ग खोलने के प्रयास में जुटे हुए हैं, पर लगातार हो रही बारिश से कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की बात करें तो सोमवार की सुबह जिले में 26 मार्ग बंद थे, जिनमें मुख्य मार्ग पिथौरागढ़ घाट, पिथौरागढ़ थल, पिथौरागढ़ धारचूला और जौलजीबी मुंशियारी सहित अन्य मार्ग शामिल थे। घाट मोटर मार्ग खुलने के बाद फिर मलबा आने से बंद हो गया। मार्गों को खोलने के प्रयास NS द्वारा लगातार जारी थे। थल मुंशियारी मार्ग में बेटली धार के निकट बीती रात भारी बारिश के कारण मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया। मलबा साफ करने के कार्य जारी थे। मोटर मार्गों में कई स्थानों पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों से भी खतरा बना हुआ है। बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर आ गए। काली नदी चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नदी तट पर बसी बस्तियों के लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। सेलसल्ला मार्ग में कई स्थानों पर मलबा आने से मार्ग बंद हो गया और कांटेबोरा गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से धस गई, जिस कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने सिर्फ मार्ग खोले जाने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए मार्गों को सिर्फ खोले जाने के निर्देश दिए हैं। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ 73 mm, गंगोलीहाट 48.60 mm, बेरीनाग 52 mm, डीडीहाट 29.40 mm और धारचूला 39.60 mm बारिश हुई है। जिले में सोमवार की सुबह 26 मार्ग बंद थे। पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग में 11:30 बजे मिली सूचना के अनुसार यातायात सुचारू हो गया था और घाट मार्ग में मलवाने के मार्ग बंद हो गया। मार्ग खोले जाने के प्रयास जारी थे। कई मार्गों में पेड़ सड़क पर गिरने से मार्ग बंद हो गया। पुलिस व फायर कर्मियों ने शीघ्र उपकरणों की सहायता से पेड़ हटाकर यातायात सुचारू करवाया। इधर चंपावत जिले में भी लगातार हो रही बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई अन्य मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया। सोमवार की प्रातः चंपावत आपदा कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश व सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग बनलेख से ककराली गेट तक मार्ग पूरी तरह से खुलने तक यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए मार्गों को खोलने के कार्य सुरक्षात्मक रूप से करने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्राम पंचायत मडवा में अतिवृष्टि से प्रकाश राम और पूरन राम के मकान का आंगन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और मकान की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों परिवारों को पड़ोस में शिफ्ट किया गया है। चंपावत जिला मुख्यालय के निकट तिलपाड़ा न्यू कॉलोनी में गिरी शर्मा के आंगन की दीवार धस गई, जिससे मकान को भी खतरा बना हुआ है। सूचना पर प्रशासन की टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में मलबा हटाने का कार्य NS के अधिकारियों की उपस्थिति में जारी था। चंपावत जिले के टनकपुर में पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंपावत में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत टनकपुर क्षेत्र में बीते दिवस एक आरोपी रोहित कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी लोहाघाट के कब्जे से 4 ग्राम स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना टनकपुर में 8/21 NDPS एक्ट में मामला पंजीकृत किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक दिलवर सिंह भंडारी, कांस्टेबल उमेश गिरी व रामलाल आदि शामिल थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।